हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करने जा रहे हैं, क्लास 10 मैथ्स फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी बुक, चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन सेकंड, सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। हमें यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखी है, उसे हमें सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू हमें फाइंड करना है और फाइंड करने के बाद हमें ये जो इक्वेशन दे रखी है इसमें जो m है m की वैल्यू हमें फाइंड करना है। लेट्स बिगिन। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये इक्वेशन फर्स्ट 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 और ये इक्वेशन हुई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन यहां लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अब हम ये 3y को राइट हैंड साइड सेंड कर देंगे, 2x इज इक्वल टू 11 जब हम इसको इस साइड को सेंड करेंगे राइट हैंड साइड तो ये माइनस में हो जाएगी 3y। x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y बाय 2 और ये x की वैल्यू आ गई। हम इसको इक्वेशन दे देते हैं थर्ड इक्वेशन, x की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे तो यहां हम लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। हमें x की वैल्यू यहां पर निकाला हमने तो इसके x की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे तो 2 ब्रैकेट 11 माइनस 3y बाय 2 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद ये माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब ये 2 इनसे मल्टीप्लाई हो रहा तो 2 से ये 2 और 2 से ये कैंसिल हो सकता है, इसको कैंसिल कर दिए। अब हमारे पास बची है 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब ये 11, अब ये माइनस माइनस का है y तो हम इसको प्लस कर लेंगे तो माइनस और माइनस माइनस है लेकिन साइन हमारा माइनस का आएगा और 3 और 4 होएगा 7y इज इक्वल टू माइनस 24। अब 11 को हम राइट हैंड साइड सेंड कर देते हैं माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24। 11 को हम इस इधर लाएंगे प्लस का है माइनस में हो जाएगा माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस को प्लस कर लेंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा 35। वाई की वैल्यू हम निकालेंगे माइनस 35 और ये यहां पर इसको मल्टीप्लाई में यहां के डिवाइड में हो जाएगा माइनस 7 और ये माइनस से माइनस कट गया और 75 जा 35 और वाई की वैल्यू हमें मिली 5। वाई की वैल्यू को हम अब इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेंगे, यहां लिख लेते हैं इक्वेशन थर्ड x इज इक्वल टू
11 माइनस 3y बाय 2, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 और y की वैल्यू आई थी हमारे पास 5 और ये 5 बाय 2, x इज इक्वल टू 11 और 5 त्रिज्या 15 होगी, माइनस 15 बाय 2। अब 15 में से 11 माइनस होगा तो x इज इक्वल टू यहां पर आएगा माइनस 4 और ये 2 आ गया डिवाइड में। अब ये 2 से कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और हमें मिला x की वैल्यू माइनस 2। तो x की वैल्यू हमारे को मिल गई माइनस 2 और y की वैल्यू मिली हमारे को 5। तो हमें मिला यहां पर x की वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस 2 और y इज इक्वल टू 5। ये दो वैल्यू हमारे को मिल गई। अब ये वैल्यू को हम ये जो इक्वेशन दे रही है इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। मैं यहां से अब इसको इरेज कर लेता हूं। ऑल्सो यहां लिख लेते हैं y इक्वल टू mx प्लस 3। तो y की वैल्यू हमारे को मिली 5, तो y की जगह लिख लेते हैं 5 इज इक्वल टू m, x की वैल्यू हमारे को मिली माइनस 2 और ये प्लस 3। अब ये प्लस 3 को हम इस साइड भेज देते हैं, प्लस ये प्लस थे यहां को भेजे तो ये लेफ्ट हैंड साइड ये माइनस का हो गया माइनस 3 और ये इज इक्वल टू दोनों को मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस तो माइनस 2m हो गया। अब 5 में से 3 माइनस करा अपन ने तो हमें मिला 2 इज इक्वल टू माइनस 2m। अब m की वैल्यू हम निकालेंगे तो m को इधर ही रहने देते हैं और ये माइनस 2 हम इधर को भेज देते हैं तो ये हो गया माइनस 2 और 2 से 2 कट गया तो हमें इसकी जो वैल्यू है वो मिली माइनस 1, ये माइनस 1। तो m इज इक्वल टू माइनस 1 और यही हमारा आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन सेकेंड कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।